नमस्कार साथियों, तोरावटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस लाइव क्लास में लेके आए हैं भारत की प्रमुख कृषि फसलों की अगली कड़ी को, और इस श्रृंखला में हम देखेंगे, इससे विगत क्लास में हमने देखी थी भारत की प्रमुख कृषि फसलों में खाद्यान्न फसलों को, और खाद्यान्न फसलों की तीन प्रमुख फसलें हमने पढ़ी थी। चावल को पढ़ा था, गेहूँ को पढ़ा था, बाजरे को पढ़ा था। साथ ही हमने उनसे महत्वपूर्ण जो विविधता युक्त जो प्रश्न थे वो भी देखे थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी भारत की प्रमुख कृषि फसलों में अगली कड़ी को, और आज के हम प्रमुख कृषि फसलों में लेंगे सबसे पहले जो। तो हमारी अगली नंबर चार फसल है वो है जो। जो फसल के रूप में देखिए, जो है वो समान गेहूं की समान परिस्थितियों में पाई जाती है। केवल अंतर इस प्रकार से होता है कि जहां सिंचाई की सुविधाएं कम होती हैं, वर्षा की उपस्थिति कुछ कम पाई जाती है, वहां उन क्षेत्रों में गेहूं की कृषि कम की जाती है, और उसी क्षेत्र में जहां वर्षा की कमी आना प्रारंभ हो जाती है उस क्षेत्र में जो बोना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो समान गेहूं की समान परिस्थितियां हैं। तो विगत अगर क्लास आपने देखी है तो गेहूं की क्या परिस्थितियां हैं यहां देखते जाइए। आपके सामने सबसे पहले जो है वो एक खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल है, और खाद्यान्न फसल के साथ में जो को मोटे अनाज में गिना जाता है। मोटा अनाज फसल के अंतर्गत आती है। जैसा हमने हमारी महत्वपूर्ण कृषि फसलों का जब नाम देखा था उस समय हमने सभी की उपस्थिति को देखा था कि कौन सी फसलें किस क्षेत्र में आती हैं, तो हमने वहां देखा था मोटे फसलों के अंतर्गत है, मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं। तो वहाँ हमने मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा, रागी, मक्का, जो, ज्वार, ये मोटी अनाज के अंतर्गत आने वाली फसलों को देखा था। तो बाजरा हमारी हो चुकी थी और अब है हमारी जो। तो जो एक मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसल मानी जाती है। जो के लिए अगर हम देखें तो जो है वो सामान्य रूप से कम जल / वर्षा, यानी या तो सिंचाई के योग्य जल जहाँ कम है वहाँ, या फिर वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ बोया जाता है, वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। तो सामान्य रूप से जल की कम आवश्यकता वाली फसल अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ जो को हम कम वर्षा की आवश्यकता वाली फसल मानते हैं। गेहूँ है, उसमें भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। कपास है, उसमें भी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कुछ फसलों में अगर गिना जाए तो बाजरा है, जो है, कपास है, कम वर्षा की आवश्यकता या कम जल की आवश्यकता वाली फसलें हैं। अब यहाँ अगर इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जल वाली जो फसलें बोई जाती हैं या जिनको सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलें कौन सी हैं, तो पहले साथियों ध्यान देंगे, हमने देखा था चाय के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जूट के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, गन्ने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, तो ये अधिक जल वाली फसलें होती हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमारी कम जल वाली आवश्यकता के रूप में जानी जाती है। तो मुख्य रूप से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आवश्यक जो दशाएँ हैं या आवश्यक परिस्थितियाँ हैं कौन कौन सी होती हैं, आवश्यक परिस्थितियाँ, तो आवश्यक परिस्थितियाँ जो के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ हम देखें तापमान की आवश्यकता, वर्षा की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम देखें तापमान कितना चाहिए, वर्षा की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, और देखें मृदा। ये तीन अनुकूल परिस्थितियाँ जो के लिए कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हम तापमान की बात करें तो तापमान इसके लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल तापमान होता है, डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये अनुकूल है, औसत तापमान है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तापमान कैसा है, एवरेज तापमान माना जाता है, औसत तापमान होना चाहिए। तो जो की फसल के लिए औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी हल्की शीत ऋतु बननी चाहिए।
वर्षा की अगर उपस्थिति की बात करें तो वर्षा की उपस्थिति 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। मृदा की बात करें तो दुमट का क्षारीय मृदा, दुमट का क्षारीय मृदा की आवश्यकता होती है। तो जो के लिए दुमट का क्षारीय मृदा, यानी गेहूं के लिए भी हमने देखा था कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को ही कछारी मृदा कहते हैं, या दुमट कछारी मृदा यानी जहां नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी भी हो और उसके साथ अन्य मिट्टियां भी पाई जाती हों, ऐसे क्षेत्रों में जो बोया जाता है। ये समान परिस्थितियां जहां अनुकूल होंगी उस क्षेत्र में जो की कृषि अधिक होती है। तो समान परिस्थितियों में तापमान अच्छा होना चाहिए, वर्षा की उपस्थिति अच्छी होनी चाहिए और मृदा भी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसी उपस्थिति में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो ये परिस्थिति क्या कहलाती है? ये परिस्थिति कहलाती है शीत ऋतु की अवस्था या शीतलता, शीत ऋतु की अवस्था। ये अवस्था है, ये ठंड को व्यक्त करती है, शीतलता को व्यक्त करती है। वर्षा की उपस्थिति 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो को बोया जाता है। और साथ ही मक्के मृदा की बात करें तो दुमट और कछारी मृदा इसके लिए उपयोगी मानी जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका उत्पादन करने वाला राज्य है तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो इसमें सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और उत्पादन किसका करता है? जो फसल का उत्पादन करता है। तो भारत का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश, और भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। तो प्यारे साथियों, चारों फसलों के बारे में इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो हमारी फसल पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य की बात आई जो कि तो उत्तर प्रदेश राज्य है। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में कौन कौन से राज्य भारत में इसका अच्छा उत्पादन करते हैं? तो उत्तर प्रदेश करता है, पूर्वी राजस्थान करता है। राजस्थान की अगर सामान्य रूप से बात करें तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ शब्द आ सकता है राजस्थान में। और राजस्थान के अलावा अगर हम जौ के उत्पादन को देखें तो जौ का उत्पादन पंजाब राज्य भी करता है, हरियाणा राज्य करता है, लेकिन पंजाब राज्य में जौ का उत्पादन कम होता है, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो समान परिस्थितियां हैं गेहूं के लिए और जौ के लिए। जौ की परिस्थितियां पंजाब में ज़्यादा बनती हैं लेकिन वहाँ सिंचाई सुविधाएं अधिक होने के कारण जौ के स्थान पर गेहूं अधिक बोया जाता है, क्योंकि समान ऋतु में गेहूं और जौ बोया जाता है। तो ये रबी की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। तो हम यहाँ देखें जो एक रबी की फसल के अंतर्गत आता है, रबी की फसल मानी जाती है। तो रबी की फसल के अंतर्गत जो की कृषि की जाती है। अब यहाँ इसके कुछ विशेष तथ्यों की ओर बात करें तो यहाँ इसके विशेष तथ्यों में निकल करके आता है जो है इसका माल्ट का उपयोग किया जाता है। जो का उपयोग है वो माल्ट बनाने में किया जाता है, माल्ट बनाने में इसका उपयोग है, वो माल्ट बनाने में किया जाता है। अब प्यारे साथियों, हम पहले देख चुके हैं माल्ट क्या है, जिससे किण्वन क्रिया द्वारा शराब का उत्पादन किया जाता है। ऐसी वस्तुएं माल्ट के रूप में है, जैसे हमने देखा था संतरा है, अंगूर है, जो है, और वर्तमान समय में बाजरे का भी उपयोग किया जाता है। गन्ना भी एक माल्ट की फसल के रूप में जानी जाती है। यह हमारी विगत क्लास के साथ चर्चाएं हो चुकी थी, तो आप ध्यान रखेंगे जो में मुख्य रूप से माल्ट बनाने के लिए उपयोग होता है, इसलिए इसको वर्तमान समय में औद्योगिक फसल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, शराब बनाने में उपयोगी, शराब बनाने में उपयोगी फसल है। तो इस प्रकार से जौ के बारे में संपूर्ण जानकारियां कंप्लीट होती हैं। भारत में जौ की पैदावार है वो सामान्यतः कम वर्षा क्षेत्रों में होती है, जहां
कम वर्षा का वह क्षेत्र जहाँ गेहूं का उत्पादन घट जाता है उस क्षेत्र में जौ का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। तो सामान्यतः तो जो गेहूं की परिस्थितियाँ हैं लगभग वही परिस्थितियाँ जौ के लिए जानी जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे हमारी नेक्स्ट अगली फसल से हमारी फसल है नंबर 5 मक्का। तो मक्का फसल की बात करें तो हम मक्का को भी मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल करते हैं, मोटा अनाज है, मोटे अनाज वाली फसल है। साथ ही जो मक्का है उसको मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पहाड़ी ढालों पर अधिक किया जाता है, पहाड़ी ढालों पर अधिक किया जाता है। तो पहाड़ी ढालों पर बोई जाने वाली जो अनाज की फसलें हैं उनमें से एक जानी जाती है मक्का। मुख्य रूप से मक्का के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं उन अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियां और इन अनुकूल परिस्थितियों में जो तीन परिस्थितियां हम देख रहे थे तापमान, वर्षा और मृदा। तो यहाँ हम देखें तापमान के लिए तो मक्का जो फसल है उस मक्का फसल को तापमान की जो आवश्यकता होती है वो होती है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये ठंड को भी सहन करती है और उष्णता को भी सहन करती है। तो इसीलिए पहाड़ी ढालों पर गर्मी की ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, टेम्परेचर बदलते रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में मक्का आसानी से बोई जा सकती है। वर्षा की उपस्थिति को देखें तो वर्षा की उपस्थिति होती है इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की उपस्थिति अनिवार्य है, अच्छी है। और मृदा की बात करें तो दुमट मृदा उपयोगी है। और दुमट मृदा में भी अगर हम बात करें तो इसके लिए काली जो दुमट मृदा है वो अच्छी होती है। काली दुमट मृदा इसके लिए उपयोगी होती है। किसी भी प्रकार की दुमट मृदा होती है अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से आपके सामने प्रश्न का आंसर निकल कर क्या आ रहा है, पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में हमें दो प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं, एक होती है वन मृदा, एक होती है पर्वतीय मृदा, दोनों का मिश्रण पाया जाता है। ऐसी मृदा क्या होगी, दुमट मृदा होगी। अगर पहाड़ी की तलहटी में अगर लावायुक्त मृदा भी पाई जाती है और उसी क्षेत्र में अगर वर्षा के कारण से जलोढ़ मृदा का रूप भी साथ आता है तो भी क्या बनती है, दुमट मृदा बनती है। तो काली दुमट मृदा या दुमट मृदा इस फसल के लिए उपयोगी होती है या मक्का फसल के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से तीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, तापमान की अच्छी आवश्यकता यानी उष्णता को भी सहन करती है और शीतलता को भी सहन करती है। तो इसको बोते समय जब मक्का को बोया जाता है उस समय इसका तापमान अधिक होना चाहिए तथा इसको पकते समय इसका तापमान कम होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति है, देखिए हम डिजिट लोअर से हाईएस्ट की ओर लिख रहे हैं 12 डिग्री से 35 डिग्री। जब मक्का को बोया जाता है मक्का का जो सीजन होता है वो सीजन होता है इसका वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के अंतर्गत है तो ये फसल कौन सी होगी, मुख्य रूप से खरीफ की फसल होगी। तो खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है तो उस समय जब तक की वर्षा नहीं होती है या वर्षा की जो उपस्थिति भारत में बनती है उस समय तक की जो परिस्थितियां होती हैं वो उष्ण होती हैं, और इसके बाद जो परिस्थितियां हैं वर्षा के बाद धीरे धीरे तापमानों में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। जब तक कि इसके पकने का समय होता है ये जो फसलें होती हैं ये शीतकाल तक आ जाती हैं और अंततः तापमान गिर करके कम हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी ये पक जाती हैं, तापमान को सहन कर लेती हैं। वर्षा की जो औसत उपस्थिति है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता है वो मृदा दुमट व काली मृदा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमारी यहाँ तक की जानकारी होती है। अब आगे हम देखें तो मक्का के लिए हम उत्पादन क्षेत्र को देखें उत्पादन क्षेत्र तो भारत में इसका सर्वाधिक जो मक्का का उत्पादन क्षेत्र है वो होता है आंध्र प्रदेश में।
मक्का का सर्वाधिक जो उत्पादन क्षेत्र है वो होता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र भी है और उत्पादन भी है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में कौन कौन से राज्य इसका अच्छा उत्पादन करने वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश के बाद में मक्का का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक में मक्का का उत्पादन होता है। फिर हम बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मक्का का उत्पादन होता है। और फिर बात करें हम दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में मक्का का उत्पादन होता है। पहले साथियों यहाँ भी ध्यान दे लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में है, दक्षिणी राजस्थान में अगर जिलों की बात करें तो इसमें आते हैं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, फिर आता है उदयपुर, फिर आता है बांसवाड़ा। इस प्रकार से राजस्थान में दक्षिणवर्ती जो राजस्थानी जिले हैं उनमें इसका अच्छा उत्पादन होता है। उसका उत्पादन अच्छा होने का कारण है दुमट मृदा का पाया जाना, और इस क्षेत्र में आर्द्रता की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसलिए मक्का का उत्पादन भी अच्छा होता है। यही कारण है कि भारत में बांसवाड़ा क्षेत्र में, बांसवाड़ा क्षेत्र में मक्का अनुसंधान केंद्र खोला गया है, मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा राजस्थान। बांसवाड़ा राजस्थान, बांसवाड़ा राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र है, और यहाँ इस बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र से मक्का की कुछ वैरायटियाँ हैं, ये भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे। बांसवाड़ा में जो मक्का अनुसंधान केंद्र है उससे माही धवल व माही कंचन, माही कंचन इस नाम से दो वैरायटियाँ आधुनिक रूप से, या हम कह सकते हैं संकर किस्म की उन्नत वैरायटियाँ तैयार की जाती हैं, उन्नत किस्में तैयार की जाती हैं, जो कम पैदावार के क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन दे देती हैं, यानी कम क्षेत्र पर अधिक पैदावार उत्पादन करने को जो अनुकूल परिस्थितियाँ वाली जो फसलें हैं वो बांसवाड़ा के अनुसंधान केंद्र में माही धवल व माही कंचन नाम से तैयार की जाती हैं। इस प्रकार से मक्का का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्रों की तलहटी भागों में अधिक पाया जाता है, और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इसका क्षेत्र अधिक है, क्योंकि वहाँ भी दुमट मृदा का जमाव पाया जाता है। पहले साथियों इससे प्रश्न एक निकल करके आता है, वो प्रश्न क्या है ये ध्यान दें, भारत का कोहिनूर कहलाता है, किसको कहा जाता है भारत का कोहिनूर, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, उसका कारण क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य में जो कृषि योग्य भूमि है वो घाटी क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ भूमि के कारण से भारत का कोहिनूर कहलाता है। तो इस क्षेत्र में पैदावार अच्छी होती है, मक्का की पैदावार में प्रथम स्थान रखता है, अन्य उत्पादन राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है यहाँ मक्का का अच्छा उत्पादन होता है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी मक्का का उत्पादन होता है, कुछ इसका उत्पादन क्षेत्र गुजरात राज्य में पड़ता है, तो ये अन्य महत्वपूर्ण जो राज्य हैं इनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आते हैं। इस प्रकार से मक्का का जो उपयोग है वो भी अगर हम देखें तो मक्का के उपयोग की बात करें तो उपयोग इसका विशेष कार्य में होता है, और विशेष कार्य क्या है, उद्योगों में जितने भी अपने ये जो ब्रेड बिस्किट उपयोग है इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग के रूप में कुरकुरे बनाए जाते हैं, इसमें उपयोग होता है, कुरकुरे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मक्का किस प्रकार की फसल हो गई, मक्का एक खाद्यान्न फसल भी है और मक्का एक औद्योगिक फसल भी है, दोनों ही रूपों में इसका उपयोग होता है, तो ये दोनों प्रकार की फसल जानी जाती है, मक्का एक खाद्यान्न फसल है और मक्का एक औद्योगिक फसल है।
दोनों प्रकार से जाना जाता है। तो मक्का का प्रमुख जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश राज्य में आता है और आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अब यहाँ कोहिनूर हीरे का संबंध नहीं रखना है कि कोहिनूर हीरा है, इसलिए हीरा का उत्पादन जहाँ होगा उसको कोहिनूर कहेंगे। इस आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। यह हमारी मक्का फसल के लिए जानकारियाँ होती हैं। आगे की फसल हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फसल है तिलहनी फसलों में मूंगफली। अब अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत की प्रधान तिलहनी फसल है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रधान तिलहनी फसल मानी जाती है तो मूंगफली प्रधान तिलहनी फसल मानी जाती है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन तिलहनी फसल के रूप में होता है और मूंगफली का तेल भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो भारत की प्रधान तिलहनी फसल मानी जाती है और मूंगफली है उसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उन अनुकूल परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों में सबसे पहले हम देखें तापमान को। वर्षा और मृदा, अगर हम तापमान की बात करें तो मूंगफली की फसल के लिए तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल तापमान होता है, अनुकूल तापमान होता है। वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे साथियों यहाँ देखेंगे कुछ स्थान ऐसे आएंगे जहाँ 75 सेंटीमीटर तक भी वर्षा नहीं होती लेकिन मूंगफली का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए फिर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम वर्षा है तो कम वर्षा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की अगर जहाँ सुविधाएँ हैं वहाँ मूँगफली का उत्पादन कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी हो जाता है। अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा की उपस्थिति यहाँ लाल काली मृदा या बलुई दोमट मृदा इनकी उपयोगिता अच्छी होती है। अर्थात लाल काली मृदा में और बलुई दोमट मृदा में मूंगफली का उत्पादन अच्छा होता है। यहाँ अगर हम देखें तो इस मृदा वाले क्षेत्र में और वर्षा वाले क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तो हम बात करें उत्पादन क्षेत्र की तो उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन करने वाले राज्य, तो इन उत्पादन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान आता है भारत में सर्वाधिक मूँगफली का उत्पादन करता है गुजरात। प्यारे साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन निकल करके आता है गुजरात। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है। ये भी ध्यान दे लें गुजरात मूंगफली उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, नमक उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, प्रमुख रूप से मसाला उत्पादन करने के लिए जाना जाता है और कपास उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन लेकर के गुजरात राज्य आता है, वहाँ उनमें से एक क्वेश्चन है मूंगफली उत्पादन को लेकर भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो गुजरात है, भारत में सर्वाधिक। सर्वाधिक उत्पादन करता है, लोग कर लें इसको अपने माइंड में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य। और यहाँ समूह भी पूछा जाता है तो प्यारे साथियों यहाँ ध्यान देंगे तमिलनाडु राज्य दूसरा प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य है। और अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में कौन कौन से राज्य मूँगफली का उत्पादन करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे महाराष्ट्र राज्य आता है, MH महाराष्ट्र बार बार लिखे जाएंगे
यहाँ मैं हिंट के रूप में पूरा नाम लिख देता हूँ, ध्यान रखें MH आते ही आपके माइंड में आना चाहिए महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में मूंगफली का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन होता है और राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन होता है। अब यहाँ हम दो तथ्य और देखेंगे, वो तथ्य भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है मृदा की विशेषता देखी थी हमने, बलुई दोमट मृदा। इस बलुई दोमट मृदा में राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। और बात करें हम जिले की, तो राजस्थान का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला जिला है वो है बीकानेर, और बीकानेर का स्थान है लूणकरणसर। लूणकरणसर, लूणकरणसर है, वहाँ मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लूणकरणसर को उपनाम से भी जाना जाता है या संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, अब यहाँ ध्यान देंगे, गुजरात राज्य में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, लेकिन गुजरात का राजकोट जिला है सर्वाधिक उत्पादन करता है। राजकोट जिले से सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्यारे साथियों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, तो राजकोट क्यों कहा जाता है उसका रीजन समझ में आ गया होगा। राजकोट गुजरात राज्य का एक ज़िला है जहां भारत की सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावार होती है, उत्पादन होता है, इसलिए इसी राजकोट की संज्ञा भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के लूणकरणसर को दी जाती है। राजस्थान के लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। तो ये काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, लूणकरणसर बीकानेर। लूणकरणसर है, एक खारे पानी की झील भी है, अर्थात इसको हम नमकीन झील को भी जानते हैं। लूणकरणसर एक खारे पानी की झील है, राजस्थान के बीकानेर जिले में है, इसके आसपास मूंगफली का उत्पादन होता है। और मूंगफली मुख्य रूप से हम देखें तो दो प्रकार से उत्पादन की क्रिया देती है, अर्थात उत्पादन दो प्रकार से किस प्रकार से देती है, एक होती है जड़ वाली मूंगफली और एक होती है बेल वाली मूंगफली। बेल वाली मूंगफली और जड़ वाली मूंगफली, अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, बेल वाली मूंगफली का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो है राजस्थान। देखो राजस्थान का उत्पादन में अग्रणी स्थान नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाए बेल वाली मूंगफली की जो किस्में हैं वो कौन से राज्य में सर्वाधिक बोई जाती हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य में बेल वाली मूंगफली की किस्में अधिक बोई जाती हैं, तथा गुजरात तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जड़ वाली मूंगफली अधिक बोई जाती है। तो यहाँ गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य और तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ काली व लाल मृदा का क्षेत्र पाया जाता है, तो लाल काली मृदा क्षेत्र कठोर मृदा होती है, और कठोर मृदा में बेल वाली मूंगफली की जो किस्में हैं वो नहीं बोई जाती हैं। एक ही पौधे के नीचे, जड़ के नीचे ही सारे मूंगफली के गुच्छे होते हैं, इस प्रकार की किस्म बोई जाती है। तो कठोर मिट्टी में बोई जाने वाली किस्म जड़ वाली के रूप में होती है, और मुलायम मिट्टी में बोई जाने वाली जो किस्म होती है उसको बेल वाली मूंगफली के रूप में जाना जाता है। अब अगर इसकी बात करें हम, तो भारत में सर्वाधिक खाद्य तेल के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो भारत में सर्वाधिक खाद्य तेल, भारत में सर्वाधिक खाद्य तेल ये मूंगफली के रूप में होता है। तो मूंगफली सर्वाधिक खाद्य तेल के रूप में बोई जाने वाली फसल है, इसलिए इसको प्रधान तिलहनी फसल भी कहते हैं। मुख्य रूप से तिलहन में तेल तो अधिक देती है, लेकिन खाने वाले तेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मूंगफली के रूप में अगर हम और देखें तो मूंगफली मुख्य रूप से गुजरात राज्य में जो बोई जाती है उसमें गिरनार के रूप में जानी जाती है। गिरनार मूंगफली की एक किस्म है। गिरनार मूंगफली की किस्म है।
और इसका संबंध कहाँ है, गिरनार किस्म का जो संबंध है वो गिरनार किस्म का संबंध है गुजरात राज्य से, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। गुजरात राज्य में मूंगफली की कौन सी किस्म बोई जाती है, तो आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट है गिरनार मूंगफली की जो किस्म हो जड़ वाली किस्म है और गुजरात राज्य में बोई जाती है, उसमें बोए जाने का रीजन क्या है, वहाँ लाल व काली कठोर मृदा पाई जाती है, इसलिए कठोर काली मृदा में जड़ वाली किस्म की ही मूंगफली बोई जाती है और इस किस्म को कहा जाता है गिरनार मूंगफली की उन्नत किस्म। तो इस प्रकार से मूंगफली की किस्म तक हमारी सारी जानकारियाँ होती हैं कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट अगली फसल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फसल है सरसों। सरसों भी तिलहनी फसल के अंतर्गत आती है। लेकिन जब प्रश्न आता है तो सरसों फसल अकेले नहीं दी जाती, सरसों के साथ में नाम आता है रागी व सरसों। सरसों व रागी, सॉरी राई, सरसों व राई ये तिलहनी फसल है। रागी एक अनाज फसल है, राई एक तिलहनी फसल है। तो जॉइंट रूप में पूछा जाता है सरसों व राई का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए तिलहनी फसल के रूप में बोई जाती है और इसका उपयोग भी किस रूप में होता है, उद्योगों के रूप में होता है, इसलिए इसको औद्योगिक फसल कहा जाता है। मूंगफली को भी औद्योगिक फसल कहा जाता है। तो ये औद्योगिक फसलें हैं, उद्योगों में इसका परिसंस्करण किया जाता है, शुद्धता की जाती है, तेल को शुद्ध करके फिर खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसको औद्योगिक फसल कहा जाता है। साथ ही सरसों का उपयोग पूर्णतः बेचने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। तो व्यापारिक फसल के अंतर्गत आती है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है, तो व्यापारिक फसल के अंतर्गत आती है सरसों व राई, एक व्यापारिक फसल के अंतर्गत आती है। अगर हम इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करें तो जो सरसों है ये भारत में सर्वाधिक होती है। भारत विश्व का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला देश है, यानी प्रथम स्थान पर आता है भारत, प्रथम स्थान पर है ये कह सकते हैं। भारत का सरसों उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान आता है। और यहाँ अगर हम देखें तो इसकी जो समान परिस्थितियाँ हैं वो कैसे हैं, ये रबी की ऋतु में बोई जाने वाली है, मुख्य रूप से रबी की ऋतु में बोई जाती है। और रबी की ऋतु है तो यहाँ कम वर्षा की आवश्यकता होगी, तो कम वर्षा क्षेत्र में बोई जाती है। साथ में इसके लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होगी, तो इसको जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में अधिक बोया जाता है। तो इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो पाई जाती हैं राजस्थान में। तो इसका जो रबी की ऋतु में बोई जाती है इसका सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य करता है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में है। विश्व में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भारत करता है और भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन है वो राजस्थान राज्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं विश्व में कुल सरसों का जो उत्पादन होता है उस कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का आधा भाग आता है। अर्थात भारत की भी और विश्व की भी जितनी सरसों उत्पादन होती है उसमें 1/2 से अधिक भाग हमारा अकेला राजस्थान राज्य रखता है। तो आधा भाग राजस्थान, आधा पूरा संपूर्ण विश्व रखता है, इसलिए कहा जा सकता है राजस्थान की प्रमुख फसलों में आती है। भारत में बोई जाने वाली वह फसलें जो राजस्थान में एकाधिकार वाली फसलें हैं, सर्वाधिक उत्पादन होता है सरसों, इसी फसल के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की तो राजस्थान राज्य में प्रमुख उत्पादन करने वाले जो ज़िले हैं उन ज़िलों में अलवर, भरतपुर,
टोंक, डोसा सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले हैं। अगर हम भारत में अन्य उत्पादन करने वालों की बात करें तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनमें भारत का उत्पादन क्षेत्र, तो उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान का एकाधिकार है। तात्पर्य रहा कि गौण उत्पादन करने वाले राज्य रहेंगे, तो इनको हम इस रूप में भी कह सकते हैं भारत के गौण उत्पादक राज्य। यहाँ आपके एग्जाम में प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे गौण उत्पादक राज्यों की स्थिति। तो गौण उत्पादन करने वाले राज्यों में सरसों का उत्पादन करता है हरियाणा, हरियाणा फिर पंजाब और फिर करता है उत्तर प्रदेश। ये प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं। गौण उत्पादन करने वाले राज्यों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, प्रधान उत्पादन करने वाले राज्यों में राजस्थान आता है। इस प्रकार से हमारी सरसों फसल की संपूर्ण जानकारियां होती हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। राजस्थान के उत्पादन करने वाले अगर जिलों की बात करें तो अलवर, भरतपुर, टोंक और दौसा है। यहाँ अगर हम बात करें तो टोंक वाले क्षेत्र में सरसों अनुसंधान केंद्र खोलने की योजना है और भरतपुर सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र खोला जा चुका है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान करने के कारण भारत में सरसों का केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में खोला गया है। इसकी एक दूसरी जो शाखा है वो टोंक जिले के मालपुरा में खोली जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा प्रधान उत्पादन करने वाले जिलों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से हमारी आज की इन चार फसलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो के साथ, हमारी क्लासों के साथ बने रहेंगे तो आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां, आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियां तथा सारगर्भित संपूर्ण जानकारियां हम हमारी क्लासों के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज की क्लास के साथ हम इतना ही देखेंगे, आगे की क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।